रावण। ये नाम सुनते ही बहादुर से बहादुर योद्धा भी कांप जाता था। रावण जो अपनी 10 सिरों और 20 भुजाओं के साथ शक्ति और आतंक का प्रतीक था, उसकी उपस्थिति मात्र से ही लोग भयभीत हो जाते थे। जब उसका भयानक साया धरती पर पड़ता तो सारा संसार सन्नाटे में डूब जाता। उसकी छाया इतनी भयानक थी कि लोग अपने घरों में छिप जाते थे और पक्षी भी चुप हो जाते थे। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उसने अपने राज्य में आतंक का साम्राज्य स्थापित कर रखा था। उसकी क्रूरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। उसकी हंसी आतंक की भयानक गूंज। उसकी हंसी सुनकर लोग कांप उठते थे। उसकी हंसी में एक ऐसा भयानकपन था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देता था। उसने पूरी दुनिया को अपनी क्रूरता में कैद कर रखा था। उसकी शक्ति और आतंक के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाता था। कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी शक्ति के सामने सभी नतमस्तक हो जाते थे, सिवाय एक आदमी के, राम। राम जो धर्मनिष्ठ राजा थे, उन्होंने अपनी प्यारी सीता को बचाने की कसम खाई थी। राम जो धर्मनिष्ठ राजा थे, उन्होंने अपनी प्यारी सीता को बचाने की कसम खाई थी। राम और सीता का प्रेम और समर्पण एक मिसाल था। वो राक्षस राजा की कैद में थी। सीता जो अपनी पवित्रता और साहस के लिए जानी जाती थी, रावण की कैद में थी। लंका का खूबसूरत द्वीप जो रावण का किला था, युद्ध का मैदान बन गया। लंका जो अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए जानी जाती थी, अब युद्ध की आग में जल रही थी। धर्म की लड़ाई, प्यार की लड़ाई। राम की सेना जो धर्म और न्याय के लिए लड़ रही थी, ने रावण के आतंक को चुनौती दी। मानवता की आत्मा की लड़ाई, ये केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच की अंतिम लड़ाई थी। राम ने रावण को हराकर यह साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। हवा में उत्सुकता छा गई। दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में भिड़ गईं। उनके क्रोध के भार तले धरती कांप उठी। राक्षसों की दहाड़ राम की सेना के जयकारों से टकरा गई। विनाश और नाश का तांडव। वानर अपनी अलौकिक शक्ति से राक्षसों के पंक्तियों को चीरते हुए आगे बढ़ते गए। हवा में खून की दुर्गंध और मरने वालों की चीखें गूंज रही थीं। लेकिन इन सब से ऊपर दो हस्तियां एक दूसरे से भिड़ी हुई थीं, एक घातक नृत्य में जकड़ी हुई, राम और रावण। राम ने अपने दिव्य धनुष से बाणों का तूफान छोड़ दिया। हर बाण में अद्वितीय शक्ति और दिव्यता थी, जो सीधे रावण की सेना पर कहर बरपा रही थी। राम का हर तीर एक संदेश था, एक चेतावनी की बुराई का अंत निकट है। हर तीर एक ज्वलंत उल्का की तरह बुराई के हृदय को भेदने के लिए निकला था। ये तीर केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी रावण की सेना को कमजोर कर रहे थे। राम के तीरों की चमक और उनकी शक्ति ने युद्ध भूमि को एक अद्भुत दृश्य में बदल दिया था। रावण, जो काले जादू का उस्ताद था, अपने जादू और माया से मुकाबला कर रहा था। उसकी माया और जादू ने युद्ध को और भी भयंकर बना दिया था। रावण की हर चाल, हर जादू राम के साहस और धैर्य की परीक्षा ले रहा था। उसके 10 सिर दहाड़ रहे थे। हर सिर से एक अलग आवाज, एक अलग क्रोध की लहर निकल रही थी। रावण के 10 सिर उसकी शक्ति और उसकी अजेयता का प्रतीक थे, जो युद्ध भूमि में गूंज रहे थे। उसकी 20 भुजाएं अकल्पनीय शक्ति वाले हथियार चला रही थीं। हर भुजा में एक अलग हथियार, हर हथियार में एक अलग शक्ति। रावण की 20 भुजाएं उसकी युद्ध कला और उसकी अजेयता का प्रतीक थीं। युद्ध कई दिनों तक चला। हर दिन एक नई चुनौती, हर रात एक नई रणनीति। यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी था। हर योद्धा अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ लड़ रहा था। कोई भी हार नहीं मान रहा था। हर योद्धा अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार था। यह युद्ध केवल विजय के लिए नहीं, बल्कि सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए था। देवता स्वर्ग से देख रहे थे। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। हर देवता की नजर इस युद्ध पर थी। हर देवता की प्रार्थना राम की विजय के लिए थी। यह युद्ध केवल धरती पर नहीं, बल्कि स्वर्ग में भी लड़ा जा रहा था। इस युद्ध का परिणाम दुनिया के भाग्य का फैसला करेगा। यह युद्ध केवल दो योद्धाओं के बीच नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच था। इस युद्ध का हर पल, हर क्षण इतिहास में दर्ज हो जाएगा। यह युद्ध केवल वर्तमान का नहीं, बल्कि भविष्य का भी फैसला करेगा। अशोक वाटिका के भीतर छिपी हुई सीता का मन चिंता और आशा के बीच झूल रहा था। सीता युद्ध को देख रही थी। धातु की हर आवाज, तलवारों की टकराहट और युद्ध के शोर से उनका दिल दहल जाता था।
दर्द की हर चीख से उनका हृदय कंप जाता था। हर चीख, हर आह उनके मन में एक नई चिंता को जन्म देती थी। वह राम की जीत के लिए प्रार्थना कर रही थी। उनके मन में एक ही प्रार्थना थी, राम की विजय और उनकी मुक्ति। फिर भी डर उनकी आत्मा को घेरे हुए था। हर पल, हर क्षण उन्हें रावण की शक्ति का भय सताता था। क्या वह अजय रावण को हरा सकते हैं? यह सवाल उनके मन में बार बार उठता था। रावण की शक्ति और उसकी क्रूरता का ख्याल उन्हें बेचैन कर देता था। हर गुजरता दिन निराशा की लहर लेकर आता था। समय जैसे थम सा गया था और हर बीतता पल उनके लिए एक नई चुनौती बन जाता था। रातें लंबी और भय से भरी होती थीं। चांदनी रात में भी अंधकार उनके मन को घेर लेता था। हर रात एक नई परीक्षा की तरह होती थी। वह राम पर अपने विश्वास को थामे रही। उनके विश्वास की डोर ही उन्हें इस कठिन समय में संभाले हुए थी। अंधेरे के इस समय में यही उनका एकमात्र सहारा था। उनके विश्वास और धैर्य ने उन्हें इस कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखा। सीता को राम के साथ बिताए हुए पल याद आते थे। उन पलों की यादें उन्हें हिम्मत देती थीं। वह आसमान की ओर देखती, जैसे किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रही हों। उन्हें विश्वास था कि राम आएंगे और उन्हें इस बंधन से मुक्त करेंगे। सीता का विश्वास अडिग था। उन्होंने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेंगी। उनके मन में एक ही विचार था, राम की विजय और उनकी मुक्ति। आशा और निराशा के इस संग्राम में सीता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। यही विश्वास उन्हें हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देता था। पांचवा भाग, एक पत्नी की पीड़ा। युद्ध की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी। वही उसके प्रिय के संघर्ष का एकमात्र प्रमाण थी। क्या वह जीत रहा था, क्या वह हार रहा था, वह नहीं जानती थी। अनिश्चितता असहनीय थी। हर पल एक युग जैसा लग रहा था। उसे अयोध्या में अपने जीवन की याद आई, चोरी छिपे नजरें मिलना, फुसफुसाहट में किए गए वादे, उनके प्यार की खुशी। अब जो कुछ बचा था वह यादें थीं। क्या वह कभी राम को फिर से देख पाएगी? चरम सीमा उगते हुए सूरज के साथ आई। राम, जिनका चेहरा पसीने और धूल से सना हुआ था, रावण के सामने खड़े थे। दोनों थके हुए थे, दोनों घायल थे, लेकिन उनका संकल्प तेज था। राम ने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया, धर्म की शक्ति, प्यार की शक्ति, नियति की शक्ति। उन्होंने दिव्य बाण छोड़ दिया। वो बाण जिसमें देवताओं की शक्ति थी, अपने लक्ष्य की ओर बराज गया। एक अंधाधुंध चमक, एक बहरा कर देने वाली गर्जना, दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली। जब धूल जमी तो सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा था। राम अपना धनुष अभी भी उठाए हुए चारों ओर देख रहे थे। उनके चरणों में रावण पड़ा था, पराजित। दुनिया खुशी से झूम उठी, देवताओं ने आनंद मनाया, राक्षस कांप गए, संतुलन बहाल हो गया था। लेकिन जीत की एक कीमत चुकाई गई थी। युद्ध का मैदान अनगिनत योद्धाओं के शवों से पटा हुआ था। युद्ध की कीमत की एक भयानक याद। सीता का हृदय खुशी और राहत के मिश्रण से भर गया। उनके राम विजयी होकर लौट आए थे। वह दौड़कर उनके गले लग गई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लंबा बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया था। दुनिया ने उनके मिलन का जश्न मनाया। लंका आजाद हो गई थी, आतंक का राज खत्म हो गया था, अच्छाई की ताकतों की जीत हुई थी। एक नया सवेरा आया था। राम की रावण पर विजय की कहानी केवल अच्छाई बनाम बुराई की कहानी नहीं है, यह प्रेम की शक्ति का प्रमाण है। धार्मिकता की शक्ति, विश्वास की शक्ति, यह हमें याद दिलाती है कि अंधेरे समय में भी आशा बनी रहती है। रावण की हार एक कालातीत याद दिलाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, उसे हमेशा हराया जाएगा। यह आशा और प्रेरणा का संदेश है जो पीढ़ी दर पीढ़ी